हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हैं? मैं आज नई वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। आप मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे यूट्यूब में वीडियोस देखने वाले, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए और अपनी स्वास्थ्य की देखभाल सबसे पहले करनी चाहिए। आज मैं आपके लिए आया हूं नई वीडियो लेकर, जो है डिप्रेशन के ऊपर। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चाहे किसी को कोई हाई डिप्रेशन है और हाई एंग्जाइटी है किसी को, तो मैं उसको बताना चाहूँगा, उन सबको जो भी इस चीज़ के पेशेंट हैं। आपको डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, तो आप ये करें। सबसे पहले आप जो आपका मन करता है आप वो करें। जैसे आपको खेलना पसंद है, घूमना पसंद है, स्कूटी चलाना पसंद है, गाड़ी चलाना पसंद है, हंसना पसंद है और भागना दौड़ना, जो आपका मन करे, मीन्स वो किसी के लिए गलत नहीं होना चाहिए और अपने लिए भी गलत नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए भी। आप वॉक करें, जंगलों में घूमें और नदी में नहाएं और पेड़ों पर चढ़ें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने मन को खुश रख सकते हैं। डिप्रेशन का मेन कारण है मन का खुश ना होना और दिमाग का खुश ना होना, और जब मन और दिमाग खुश ना हो तो लाइफ अच्छी नहीं रहती है। आपको जब एंग्जाइटी हो तो थोड़ा चलें और गहरी गहरी सांसें लें, ऐसे सीने को फुला दें और गहरी गहरी सांसें लें, गहरी गहरी सांसें लें। आप सब गहरी सांसें लें और जितना हो सके भगवान का नाम लें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लें, ओम नमः शिवाय का और जाप करें। ओम त्र्यंबकम में जामाय सुगंधिम पुष्टिवर्धन पूर्वारुगमंदा मृत्युमोक्षमामृता, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप जितना हो सके स्पिरिचुअल बने और अपना ध्यान उस जगह से हटा के दूसरी तरफ डालें। ये सोचें जिंदगी में बस कि मैंने जो खोया वो मेरी किस्मत पर नहीं था, जो मेरे खोया वो मेरी किस्मत पर नहीं था, और ना मैं कुछ लेकर आया था जो मैं क्या खोऊंगा। मैं लेकर ही क्या आया था जो मुझसे खो गया या मुझसे छूट गया, मैं लेकर ही क्या आया था। मैं तो लेकर तो अपना शरीर आया था बस, और लेकर भी अपना शरीर ही जाऊंगा, तो ना मैं लेकर कुछ आया था, ना मुझसे कुछ छूटा है, ना मैं कुछ छोड़ा हूँ, ना मैं ये पास हो गया, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, ये वो नहीं लगी। देखो कुछ अपने कर्म होते हैं और कर्म के बाद जब आप कर्म कर रहे हैं उसका फल ना मिले तो किस्मत बोलते हैं उससे ऊपर। जब आपकी जान हर कोई नहीं बचा पा रहा, डॉक्टर नहीं बचा पा रहा, उसके बाद भगवान होता है, तो भगवान ने जो आपकी किस्मत पे लिखा होगा वो होगा ही। पर आप भगवान पे विश्वास रखें और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ें और डिप्रेस, एंग्जाइटी, इन चीज़ों को दूर इस तरीके से करें। भगवान का नाम लें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हनुमान, जय हनुमान, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम त्र्यंबकम का पाठ करें, और जितना भी हो सके जो आपको अच्छा लगता है वो करें। नहाएं और घूमाएं, ठंडी हवा में घूमें, फ्रेश एयर में घूमें और बातें करें, बातचीत करें, बैठने जहाँ बातें करते हैं उन चीज़ों में बैठने बैठे हैं, उन लोगों के साथ बैठे एक्सपीरियंस लें, अननोन लोगों से बात करें जितना भी हो सके, और फूड खाना टाइम टू टाइम लें और फूड हल्का ही लें, ज़्यादा भारी भी ना लें, ज़्यादा हल्का भी ना लें, मीडियम रखें खाने को, और टाइम खाने पे नाश्ता सुबह 7 बजे करें और दिन का खाना 12 बजे और रात का 7 बजे 8 बजे इतना कर सकते हैं। और रात को हल्का भोजन लीजिए और सुबह भी, दिन का आप थोड़ा अच्छा ले सकते हैं, थोड़ा भारी भोजन, क्योंकि दिन में आदमी चलता फिरता तो पच जाता है, पर नाइट का आपको सोना होता है तो आप 10 बजे से पहले सो जाइए। मोस्टली आज का कारण डिप्रेशन है इच्छाएँ, इच्छाएँ भी मनुष्य हैं, इच्छाएँ भी कारण है। इच्छाओं को कम करो, इच्छाओं को दमन करो, इच्छाएँ ज़्यादा रखोगे तो उतना ही डिप्रेशन होगा। इच्छाएँ कम रखें और इच्छाएँ को त्यागो, जितना हो सके अच्छा जीवन व्यतीत करें और इच्छाएँ कम रखें।
नमस्कार अर्पिता, मैं आपसे ये कहूँगा जो हो सके डिप्रेशन एग्जाइटी के लिए जो आपको अच्छा लगे वही करें, जो अच्छा लगे आपको वही करें। ओके मेरे फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये बताएं कि मेरी फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को यह मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।